हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, हियर वाज टू बी टॉट यू योर फाइव टॉपिक्स दैट इज अबाउट गर्डल्स. दी गर्डल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गर्डल्स, ए पेयर और शोल्डर गर्डल्स. दो तरह के गर्डल्स होते हैं, एक तो कंधे की जो बनावट है उसके हड्डी एंड ए पेयर ऑफ हिप गर्डल्स, और दूसरा हिप गर्डल्स होते हैं. द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली टू द बैकबोन बट टू द गर्डल्स. ये जो लिम्ब होते हैं, जो हमारी बाहें हैं और बाहों की जो हड्डी है, वो सीधे रूप से ये जॉइंट नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी से ही जॉइंट नहीं होता है, लेकिन गर्डल से जॉइंट होता है. दी आर्म्स आर जॉइंट टू दी शोल्डर गर्डल, और बाँह जो है शोल्डर गर्डल से जॉइंट रहता है. एंड दी लेग्स आर जॉइंट टू दी हिप गर्डल, और पैर जो है वो हिप गर्डल से जॉइंट होता है. हियर बाय द सोर्स ऑफ दिस पिक्चर you have been taught that here is shoulder girdle. Upper arm is not directly connected to your backbone. At first it connects to your girdles and here hip girdle here, हाई बोन, फेमर जो जांग की हड्डी है वो यहाँ से जुड़ा होता है, ये हिप गर्डल से जुड़ा होता है, और हिप गर्डल फिर रीढ़ से जुड़ा होता है. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. लेट अस स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट द मूवमेंट्स विच वी डेली मेक एंड देन ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की चेष्टा करें, जो प्रतिदिन के कामों में हम लोग गति करते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर के बहुत से अंग भी ऐसे हैं जो मूव करते हैं, गति करते हैं, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से ये दर्शाया गया है. टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट आवर वेरियस बॉडी पार्ट्स कैन मेक, कि बहुत प्रकार के गतियों को जो हमारे शरीर काम करते हैं, जैसे मेथड है कि वर्क विथ ए पार्टनर, ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू फाइंड आउट फॉलोइंग विच बॉडी पार्ट्स रोटेट कम्प्लीटली. आपको ढूंढना है कि कौन सा शरीर का ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से घूम सकता है, विच पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स रोटेट पार्टली, और कौन ऐसा है जो कुछ ही घूमता है, पूरा नहीं घूम पाता है, विच बॉडी पार्ट्स बेंड, और कौन सा बॉडी पार्ट्स ऐसा है जिसके सहायता से झुका जा सकता है, एंड विच बॉडी पार्ट्स डू नॉट मूव एट ऑल, और कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट्स है जो कभी घूम ही नहीं सकता है. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल. अपने सर्वेक्षण को जैसा आप पाते हैं वैसा मूवमेंट को यहाँ दर्शाना है. जैसे आर्म के बारे में है कि रोटेट कम्प्लीटली, ये जो बाँह है इसको हम लोग सब तरफ से घुमा सकते हैं. नेक है रोटेट पार्टली, आधा ही घुमा सकते हैं अपने गर्दन को. इसी तरह सब दिया हुआ है, आप इसको फिलअप कर लेंगे. एंड एक्टिविटी नंबर 4, टू शो दैट वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर दी बोन्स मीट. कि आपको इस एक्टिविटी के माध्यम से दिखाना है कि हम लोग झुक सकते हैं या गति कर सकते हैं सिर्फ वैसे ही अंगों की सहायता से जो जुड़ा हुआ है. एंड हियर इज अ कंक्लूजन में क्या है, इसके कंक्लूजन में है ये सिंगल बोन कैन नॉट बी बेंड. जो अकेला हड्डी है वह मुड़ नहीं सकता है. The different bones joined together at the elbow helps to bend the elbow.
और वैसे हड्डियाँ जो दूसरे हड्डियों से जुड़ी होती हैं उसे उसकी सहायता से झुका जा सकता है या झुकने वाले कोई भी काम किया जा सकता है। ज्वाइंट्स, बोन्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर एट डिफरेंट प्लेसेज। हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कई तरीके से जुड़ी होती हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स ज्वाइंट इज कॉल्ड ज्वाइंट। तो जब दो या दो से ज़्यादा हड्डी कहीं जुड़ा हुआ हो किसी स्थान पर तो उसको ज्वाइंट बोलते हैं। बोन्स आर ज्वाइंट बाई टफ फ्लेक्सीबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। तो हड्डियाँ जो जुड़ी होती हैं वो लचीली, जो इसमें लचीलापन गुण होता है, लचीला है, इलास्टिक टिश्यूज है, तो वैसे कोशिकाओं से ये बना होता है जो लचीला होता है, उसी को लिगामेंट कहते हैं। द एंड्स ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग ए ज्वाइंट इज लाइंड विथ ए लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड कार्टिलेज। और ऐसी हड्डी जो जिसे जो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, वो कार्टिलेज हड्डी का बना होता है। जैसे जो कान है हम लोग का, इसकी जो हड्डी है कि कान को आप टच कीजिए और इसको मोड़िए, ये मुड़ता है, तो इसमें जो हड्डी है उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। द कार्टिलेज मेक्स द एंड्स ऑफ द बोन्स स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। ये कार्टिलेज जो है एक ऐसा हड्डी है जो बहुत स्मूथली जुड़ा होता है एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, और गति करने के दौरान ये किसी प्रकार का कोई बाधा भी नहीं पहुंचाता है। तो कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक अपर पार्ट ऑफ द ईयर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज। और नाक की जो हड्डी होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कान की हड्डी होती है उसे कार्टिलेज वाली हड्डी से बना होता है, इसलिए तुड़ मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ने से मुड़ जाता है ना। और ये हमारे किसी गति उति करने में या फिर दौड़ने धूपने में कहीं जो है बाधा नहीं पहुंचाता है। इसी तरह नाक की जो ऊपर वाली हड्डी है ये भी लचीला होता है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। तो टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट्स, इमूवेबल और फिक्स्ड ज्वाइंट्स। ऐसी हड्डियाँ जो मुड़ नहीं सकती है, जो बिल्कुल फिक्स होती हैं, उनके विषय में जानने का चेष्टा कीजिए। दीज ज्वाइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। ऐसा ज्वाइंट जो गति करने के लिए हड्डियों को इजाज़त नहीं देता है, फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ द स्कल, ये खोपड़ी की हड्डी जो होती है, एक्सेप्ट द लोअर जा बोन्स, नीचे वाले जबड़े को छोड़कर जो ऊपर वाला जो भाग है ये भाग गति नहीं करता है। आर इंटरलॉक्ड, अंदर से लॉक होता है, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। और ऐसा जुड़ा होता है फाइब्रस कार्टिलेज से जो इसे कभी भी गति करने का इजाज़त नहीं देता है। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, ऐसे ज्वाइंट जो हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं या मुड़ सकते हैं। दीज ज्वाइंट्स अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन दियर एंड्स। ऐसी हड्डियों सबसे अंत में, हड्डियों का जो सबसे अंतिम छोर है, उस अंतिम छोर के पास में कार्टिलेज की जो हड्डी होती है वो काफ़ी लचीला होती है ना, उसे ये जुड़े रहते हैं और ये थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट्स प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रा इन दी बैकबोन और स्पाइन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट। दिस काइंड ऑफ ज्वाइंट
प्रोवाइड्स मोर सपोर्ट। तो उदाहरण के लिए कि जो जॉइंट्स प्रेजेंट है, एडजेसेंट वर्टेब्रा जिसे बोलते हैं, ये जो हड्डी है ये बैक बोन में होती है। बैक बोन का जो ये बना हुआ अलग अलग स्वरूप है, ये बैक बोन जो स्पाइनल कोड का रक्षा करता है, तो स्पाइन से जुड़ा रहता है और ये हल्का फुल्का गति कर सकता है। फ्री मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो स्वतंत्र होकर गति कर सकते हैं। कि मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर फ्री मूवेबल, और मानवीय शरीर में कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो फ्री होकर मूव कर सकते हैं। एंड मूवेबल जॉइंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फोर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। तो इस मूवेबल जॉइंट को आगे चलकर क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है चार अलग अलग टाइप में। इसका वर्गीकरण किया गया है जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द होलो कप शेप्ड सॉकेट ऑफ द अदर बोन्स। तो इस तरह की जो ज्वाइंट है ये बॉल शेप में होता है, बॉल के आकार का होता है और एंड ऑफ द बोन और उस हड्डी के आखिरी छोर पर फिट्स इनटू द होलो कप, एक गड्ढनुमा कप के आकार के हड्डी से सॉकेट से जुड़ा रहता है। दिस जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस तरह का जॉइंट जो है अधिक से अधिक गतिशील होता है, सभी दिशाओं में ये मूव कर सकता है। द जॉइंट ऑफ द शोल्डर और जो कंधे की जो हड्डी है एंड द हिप आर एग्जांपल्स ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कंधे की हड्डी और हिप ये जो है बॉल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। हियर इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन द फिगर यू आर सीइंग हियर। यू कैन वॉच हियर इज शोल्डर बोन, आर्म्स बोन, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू लिसन मी वेरी केयरफुली। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।